जो है वो पहली किताब तो मुझे पता नहीं कि उसे किताब कहूँ क्या कहूँ, मगर उसका नाम था सेवन रिपोर्ट्स ऑन हाउसिंग, यानी सात रिपोर्टें थी जो मैंने हाउसिंग के बारे में लिखी थी, उनको एडिट करके एक दूसरे से रिश्ता जोड़ के वो किताब छापी गई थी। अब मुझे पता नहीं कब, मुझे तो याद भी नहीं कब था, कब छापी थी, बहुत अरसे पहले। वो पहली किताब थी, उसमें क्या मसाइल थे और अब भी हैं वो मसाइल, लोगों के घर हासिल करने के लिए, ज़मीन हासिल करने के तरीक़ा क्या, कार क्या था, गैर रस्मी आबादी कैसी होती है, कच्ची आबादी कैसे वजूद में आती है, लोग फिर किस तरह से वहाँ रहना शुरू करते हैं, किस तरह से वो तब्दील होती है वक्त के साथ साथ, लोग किस तरह से तब्दील होते हैं वक्त के साथ साथ, उनकी उसकी ज़रूरियात क्या हैं। उन्हीं रिपोर्ट्स में दो रिपोर्ट्स ख़ास तौर से अहमियत रखती हैं, एक खुदा की बस्ती के बारे में थी जो मेरे दोस्त तसनीम सिद्दीकी साहब ने डेवलप की थी, और दूसरा मेरा अपना काम था जो रंगी पायलट प्रोजेक्ट में मैं कर रहा था अख्तर हमीद खान के साथ मिलकर। तो ये पहली किताब थी जो मजमूआ था रिपोर्टों का। दूसरी किताब जो थी वो मेरे ख्याल में बहुत अहमियत रखती है और बहुत असातज़ा उसको इस्तेमाल भी करते हैं रिसर्च और पढ़ाने के लिए, मगर वो पुरानी हो चुकी है। जहाँ तक मुझे याद है 1987 या 1989 की लिखी हुई है, और वो मैंने आमिन आज़म अली के साथ मिलके रखी लिखी थी, जो हेरल्ड में एडिटर होती थी उस ज़माने में। उसका नाम है एनवायरमेंटल रिपरकशंस ऑफ डेवलपमेंट इन पाकिस्तान, के तरक्कियाती मंसूबों के नतीजे में जो माहौल है वो कैसे तब्दील हुआ है। वो किताब इस बात अहम है क्योंकि उसमें मैंने ट्रेस किया है रिश्ता पुरानी जो गवर्नेंस का तरीक़ाकार था, कम्युनिटी गवर्नेंस का, जिसमें पंचायत थी, जिसमें मुखी था, पटेल था, नंबरदार था, बहुत कुछ था, ज़ात ज़ात का अमल दखल था, ज़ात और पेशे का रिश्ता था। तो ये सब तब्दील हुआ और उसके नतीजे में, इस समाजी तब्दीली के नतीजे में माहौल कैसे तब्दील हुआ, एनवायरनमेंट कैसे तब्दील हुई, ये बंद बने दरियाओं पे, पानी का इस तर्ज इस्तेमाल तब्दील हुआ, तो ये सारी चीज़ें उसमें कवर की थी। और वो मेरे ख़्याल में किताब बुनियाद थी मेरे आगे के काम की जो मैंने बाद में किया है। तो ये मेरी दूसरी किताब थी। तो देखे फिर उसके बाद तो बहुत सारी किताबें लिखी हैं मैंने, कोई 18 किताबें लिखी हैं। और अहमियत क्या है उन किताबों की, देखें ये मेरे ख़्याल में चार किस्म की किताबें हैं। एक तो कराची के बारे में है, जिसे तफ़ीम कराची उर्दू में शाये की गई है, उर्दू वर्जन है, अंडरस्टैंडिंग कराची अंग्रेज़ी में है। इसमें कोशिश की है कि कराची की तारीख़, उस शहर का इर्तिका, जो तब्दीलियां पार्टीशन के ज़माने में आई और उनके क्या असरात हुए हमारे पे, समाजी असरात भी, और रोज़मर्रा की जो हमारी ज़िंदगी है उसमें क्या तब्दीली आई, वो भी ये सकाफ़ती तब्दीली क्या आई, फिर शहर की प्लानिंग कैसे हुई। तो एक तो फिर ये किताब है। इसी तरह से एक इसी से मिलती जुलती किताब है, उसका नाम है कराची द लैंड इशू, कॉलीग्स के साथ मिलकर लिखी है, और वो सारे कॉलीग्स जितने भी थे वो मेरे स्टूडेंट्स रह चुके थे, जिनमें नुमान अहमद साहब हैं, सईदुद्दीन अहमद साहब हैं, मंसूर रजा साहब हैं, वो भी कराची के हवाले से द लैंड इशू, उसमें ज़मीन का क्या झगड़ा है कराची में और वो किस तरह से झगड़ा जो है वो इवॉल्व हुआ है, तब्दील हुआ है,
और किस तरह से आहिस्ते आहिस्ते वो सारा डेवलपर्स के हाथ में, ज़मीन का इशू, ज़मीन के मसाइल उनके कंट्रोल में आए हैं। एक वो किताब है, फिर एक और किताब लिखी थी वो हाउसिंग फॉर द पुअर कहलाती है, और उस किताब में मैंने कोशिश की है कि जो मसाइल हैं गरीबों के और जो हल हो सकते हैं बआसानी, उनका ज़िक्र किया जाए, उनको इकट्ठा किया जाए नक्शों के साथ। वो भी एक किताब है, वो भी ज़्यादातर कराची के हवाले से है। उसमें मैंने बताया है कि क्या क्या हल हुकूमत ने तलाश करने की कोशिश की और वो नाकामयाब क्यों हुए। जैसे लांडी कोरंगी की जो हाउसिंग स्कीम थी बहुत बड़ी अयूब के ज़माने में, उसको कहा जाता है कि वो बहुत अच्छा काम था और बहुत कामयाब था, जो कि बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल फेल था। और उसके नतीजे में कराची को जो नुकसान पहुंचा, उसकी मैंने तफसीलात दी है, जो अमूमन लोग आज तक नहीं कहते कि उससे नुकसान हुआ, वो कहते जी बहुत अच्छा हुआ। नुकसान ये हुआ कि गरीब आबादी को शहर से बाहर फेंक दिया गया, और उसके लिए जो भी शेल्टर प्रोवाइड किया गया वो उसमें रहना नहीं चाहती थी, क्योंकि वो शहर से दूर थी, काम के आमदनी के इलाकों से दूर थी, तो वो नहीं रहना चाहती थी। उसके लिए बहुत मुश्किलात पेश आई, और उसको बाहर फेंकने के नतीजे में कराची का बहुत बड़ा ट्रांसपोर्ट का मसला सामने आया, क्योंकि लोगों को दूर से आना पड़ता था, जबकि पहले वो पास ही रहते थे शहर के, पैदल जा सकते थे अपने काम पे, साइकिल पे जा सकते थे, मगर फिर बसों की ज़रूरत हुई, और बसों का जो मेन अड्डा था वो सदर था। चुनाचे सदर में हॉकर्स आए, क्योंकि आबादी आने लगी, ये ट्रांजिट आबादी, कार पार्किंग का, बसों की जगह, खड़े करने की जगह, ये सारे बस स्टॉप्स, बस डिपोज, इन सब सब का मसला आया। तो ये बहुत मसले आए उसके नतीजे में। हम उन्हीं लोगों को शहर ही में रहने देते और यही उनके लिए जगह तलाश कर देते, जो जगह थी ज़मीन थी, ऐसा नहीं था कि ज़मीन नहीं थी। तो ये किताब में ये सारी बातें आईं। दो इसमें तजावीज़ जो पेश की गई थी, एक तो खुदा की बस्ती की स्कीम को किस तरह से आगे बढ़ाया जा सकता है गरीबों के घरों के लिए, और दूसरा औरंगी पायलट प्रोजेक्ट के जो प्रोग्राम थे उनको किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है कच्ची आबादियों की बेहतरी के लिए। और फिर कि ये जो फाइनेंसिंग का तरीक़ाकार है कि गरीब आदमी अपनी जेब से, उसकी जेब में जब कुछ है ही नहीं तो मकान कैसे बनाएगा, तो इसका कोई फाइनेंसिंग का तरीक़ा होना चाहिए, उसकी तजावीज़ दी है इसमें। और यही तजावीज़ फिर जब मैं बना मेंबर हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन का बोर्ड का, वहाँ भी कोशिश की, मगर एक निज़ाम है जिसमें बहुत दुश्वारियाँ हैं, जिसमें नई तब्दीली की तरफ जाते हैं, उस निज़ाम की तब्दीली की तरफ तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि इतने बड़े वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, वो तब्दीली नहीं चाहते। ये किताब थी, ये भी कराची के बारे में थी ज़्यादातर। फिर कराची के बारे में तो किताबें और भी लिखी लैंड इशू के बाद। एक अभी किताब आई है, कराची इज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ये मंसूर रज़ा साहब और अर्बन रिसोर्स सेंटर के साथ मिलके लिखी है। ये कराची की जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, ये कहाँ शुरू हुई, किस तरह से इसमें तब्दीली आई, पार्टीशन के बाद क्या क्या स्कीम्स आईं, कौन सी स्कीम्स कामयाब रहीं, कौन सी स्कीम्स फेल हुई, कौन सी स्कीम्स, उनकी फ़ेल होने की वजह क्या थी, उनकी कामयाबी की वजह क्या थी, और फिर मौजूदा सूरत हाल जो है वो बयान की गई है उसमें। और उसमें बयान करने में मौजूदा सूरत हाल जो प्रपोजल्स हैं मंसूबों के, हुकूमत के, उनको भी देखा गया है, और कुछ छोटी मोटी तब्दीली के ज़रिए जो बेहतरी आ सकती है वो बयान की गई है, बड़े बड़े मंसूबों के ज़रिए से नहीं, मगर छोटी तब्दीलियों के ज़रिए से। एक ये भी कराची के हवाले से किताब थी, एक और किताब है वो भी कराची के हवाले से है, वो उसका नाम है हॉकर्स ऑफ सदर बाज़ार, सदर बाज़ार के जो हॉकर्स हैं
रेड़ी वाले हैं, उनके क्या मसाइल हैं और उनको किस तरह से एक मंसूबा बंदी के ज़रिए उनको रेगुलराइज़ किया जा सकता है। उन्हें निकालने की ज़रूरत नहीं है, जगह है सदर में, मसला उस जगह की मंसूबा बंदी का है, स्पेशल रीऑर्गेनाइजेशन का है, वो हो सकता है। और उसमें हेरिटेज के मसलों को भी छेड़ा गया है थोड़ा बहुत, एम्प्रेस मार्केट की जो अहमियत है वो भी बयान की गई है और किस तरह से इसे मार्केट ही रहना चाहिए ताकि आम आदमियों के लिए वो एक्सेसिबल हो। तो इस किस्म की चीज़ें जो हैं वो उस किताब में डाली गई हैं, नक्शे बहुत सारे हैं उसमें। एक और किताब जो अभी निकली है, ये नई किताब है, इसका नाम है द सर्च फॉर शेल्टर। ये पूरे पाकिस्तान के बारे में है, ये आप समझिए एक किस्म की केस स्टडीज़ है कि लोग इंटरव्यूज़ के ज़रिए, फैसलाबाद का ज़िक्र है इसमें, लाहौर का है, कराची का है, सेंट्रल एशिया में जो मैंने काम किया उसका है, इंग्लिस्तान का है, बांग्लादेश का है चैप्टर है, ये इन सब मुल्कों के बारे में एक एक चैप्टर है। और जो मेजर इशू है हाउसिंग का, शेल्टर का, उसके बारे में चंद मज़ामीन हैं। इसके बारे में, इसमें जो रिहैबिलिटेशन अब तक हुकूमतों ने किया है उसके नतीजे में बजाय इसके कि सूरत हाल लोगों की बेहतर हो वो बदतर होती है, तो उसमें लियारी एक्सप्रेसवे का एक पूरा जायज़ा है कि क्या हुआ और लोगों के हालात बेहतर हुए या बदतर हुए तो किस तरह से हुए, तो ये उस किताब में मौजूद है। फिर रेलवे की ज़मीनें कैसे ऑक्यूपाई होती हैं, उनके क्या मसाइल हैं, ये इस किस्म की चीज़ें हैं उस किताब में, ये अभी शाये हुई है। कराची के हवाले से और क्या है, ये तो कराची के हवाले से हो गई। फिर किताबें ऐसी भी हैं जो पाकिस्तान की सतह पे लिखी गई हैं। एक किताब है, उसका नाम है द अनप्लान्ड रेवोल्यूशन, यानी उर्दू में तर्जमा करें तो बेजाब्ता इनकलाब। इस किताब को हिस्सों में तकसीम किया गया है, पहाड़ी इलाके द माउंटेंस, दरिया से जिन इलाकों का रिश्ता है रिवर्स, समंदर से जिसमें है द ओशन, और भी इसी तरह से दो तीन हिस्से हैं। समंदर में तो जिक्र है कि मछुआरों के क्या मसाइल हैं और क्यों हैं, और ये जो कुछ मैंने सीखा ये मैंने हुकूमत पाकिस्तान के एक प्रोजेक्ट पे काम किया था, वो साहिली इलाकों के जो कम्युनिटीज़ हैं पूरे पाकिस्तान के, उनके क्या मसाइल हैं और क्या पोटेंशियल है, समाजी मसाइल, माहौल के मसाइल, आपस में रिश्तों के मसाइल, प्रोडक्शन के जो ताल्लुकात हैं उनमें मसाइल, तो वो कवर किया था। इसमें जो नॉर्दर्न एरियाज़ का हिस्सा है पहाड़ों का, उसमें जो तब्दीलियाँ आई हैं और आती जा रही हैं, जहाँ एक पुराना निज़ाम सरमा इसका ज़िम्मेदारी का है वो जो टूटा है उसका ज़िक्र है। तो ये अनप्लान्ड रेवोल्यूशन असल में आपको बताती है कि पाकिस्तान में बहुत बड़ी तब्दीलियाँ आई हैं, समाजी तब्दीलियाँ, और उनके नतीजे में समाज तब्दील होता जा रहा है, मगर हमारे जो मंसूबा बंदी के इदारे हैं या जो पॉलिसी के इदारे हैं वो इन तब्दीलियों को तस्लीम नहीं करते और वो अपनी प्लानिंग में इनको हिस्सा नहीं बनाते तब्दीली का। मसलन सबसे बड़ी जो तब्दीली मैंने देखी है जिसका ज़िक्र मुसलसल मैं करता हूँ, वो तब्दीली ख़वातीन में के हवाले से है, और वो बहुत अहम तब्दीली है
जिसको हमने अभी तक पूरी तरह से तस्लीम नहीं किया अपनी पॉलिसी मेकिंग में। हैरेसमेंट के हद तक किया है, कारोकारी के हद तक किया है, मगर ये तब्दीली उससे कहीं ज़्यादा बड़ी है वो समाज में जो आई है, ख़ास तौर से शहरी इलाकों।